हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस 49568 की जो वैकेंसी जो अभी जनवरी में जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 27 और 28 जनवरी, दो दो शिफ्टों में अलग अलग करके, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसका फिजिकल कब से तक होगा, और डायरेक्टमेंट वेरीफिकेशन कब स्टार्ट किया जाएगा, उसकी फाइनल लिस्ट कब बन के आएगी, और इस कैसा ये प्रोसेस होने वाला है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो ताज़ा खबर है और भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती के ऊपर क्या बोला है, क्या अपना डिसीजन दिया है अभी, वो सारा हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लखनऊ सिटी का जो अमर उजाला है वो आज 25 अप्रैल का है। तो आज क्या छपा है इस न्यूज़पेपर में, भर्ती बोर्ड ने इस पे अपना क्या विचार व्यक्त किया है, वो सारा कुछ हम आपको इस पे डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं, ठीक है। सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी परेशान, तो लोकसभा चुनाव बाद परिणाम जारी होने की संभावना। तो इसकी जो संभावना अभी व्यक्त की जा रही है वो लोकसभा के चुनाव होने के बाद ही व्यक्त की जा रही है, और इस पे भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। लखनऊ से ये जो बोर्ड है उसने इस पे क्या बोला है वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि इस भर्ती के बाद जनवरी में हुई परीक्षाओं के बाद फरवरी अंत तक परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम जारी न होने से वे आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भर्ती बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने परिणाम तैयार कर लिया है, चुनाव के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट लेट होने के पीछे एक वजह और बताई जा रही है। जनवरी 2018 में 41,520 पदों की निकली भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर चयनित कुछ 6 महीने का प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया। प्रशिक्षण का चरण, पहला चरण 29 अप्रैल से शुरू होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें 18,000 जवानों का प्रशिक्षण किया जाएगा। परीक्षण 11 अप्रैल 2020 तक चलेगा। ऐसे में 49,568 पदों के चयनित प्रशिक्षण उसके बाद ही शुरू हो पाएगा, जिसका जो परीक्षण है उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। संभव है कि चुनाव बाद परिणाम घोषित कर दिया जाए। अब लोगों का सत्यापन और परीक्षा मानक दंड यानी DV करा दिया जाएगा और दिसंबर तक इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस भर्ती पर अभी भी कोई अधिकारी जो अपना बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसमें दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न यह है कि अभी जो 41,520 की जो सिविल का है वो मेडिकल अभी चल रहा है, वो कंप्लीट हो नहीं पाया है। और अभी उसके बाद दूसरा जो है PSC का, उसका भी 18,000 जो है उसका भी मेडिकल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका स्टार्ट होगा। अगर मान लो ये रिज़ल्ट निकाल भी देते हैं तो उसके बाद अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सॉरी अभी वोटिंग चल रही है यानी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इनके ऊपर कुछ फाउंडेशन है कि कहीं इनका वोट बैंक कम ना हो जाए शायद, इसलिए भी इसको रोके हुए हैं। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगी उसके बाद ये यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद ये दिसंबर तक जो है इसका जो फाइनल लिस्ट बन जाएगी, और इसका जो जुलाई है जुलाई में यहाँ पे इसका फिजिकल और DV करवाने की संभावना बनाई जा रही है। जून लास्ट या जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में जिसका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, और जो जुलाई से है आपका वो DV यहाँ वो सॉरी DV और फिजिकल स्टार्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी ही न्यूज़ थी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ, सके सबको न्यूज़ मिल सके। और जो भी न्यूज़ होती है वो ऑथेंटिक यहाँ पे हम बताते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं होती है। कहीं ना कहीं अपडेट जो मुझे मिलते हैं तो उसको मैं एक बार फिर देखता भी हूँ कि सही है कि नहीं, उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपडेट्स देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ, और अब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ होगी, नोटिफिकेशन होगी, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।